Hi everyone and welcome back to the channel for yet another Tata Wali Nano का video. लेकिन आज ना ये guys गाड़ी का तो video है, लेकिन इसके अंदर मैंने एक mod किया था आपसे कुछ महीनों पहले, शायद आपको याद हो, शायद आपको नहीं याद हो. इनके नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं. ऑटो क्यू के शॉकर बफर्स मैंने नैनो के फ्रंट टायर्स के शॉकर्स में इंस्टॉल किए थे, खुद ही किए थे, करवाए नहीं थे कहीं से. उसका पूरा वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, मैं उसका लिंक दे दूंगा. इनकेस आपको देखना होगा आप देख सकते हो. सो तब मैंने लगाया था, उसके बाद थोड़ा बहुत चलाया था, और थोड़ा बहुत चलाने के बाद मैंने आपको एक अपडेट दिया था. बट आज जो गाइस मैं आपको अपडेट देने वाला हूं ना, वो छोटा मोटा अपडेट नहीं है, छोटा मोटा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इट्स बीन सो मेनी मंथ्स आफ्टर इंस्टॉल दोस शॉकर बफर्स, एंड इट्स बीन अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर्स, विच इज प्रिटी लॉन्ग, राइट. और इसके अंदर सिटी भी है, हाईवे भी है, माउंटेन्स भी है, सब कुछ है. सो आई एम प्रिटी मच क्वालिफाइड to tell you about the details of the AutoQ shocker buffers. मैं एक चीज दिखा दूं, ये चीज है तो है क्या आखिर. एंड इसमें ना साइजेस आते हैं, सो यहां पे आपको डी दिख रहा होगा जगह जगह पे डी, एंड यहाँ पीछे भी डी. तो नैनो के फ्रंट शॉकर के जो स्प्रिंग है उसमें डी साइज आएगा. ये बेसिकली साइज होते हैं ए बी सी डी के हिसाब से, आई थिंक डी इज द स्मॉलेस्ट वन. लेकिन जो नैनो के पीछे है वो वहां पे सी लग रहा है क्योंकि पीछे का स्प्रिंग बड़ा है. तो आपको अगर अंदर के कंटेंट्स भी अगर मैं दिखाऊं तो केबल टाइज तो मिलती है इसके अंदर, क्योंकि केबल टाइज की मैंने रिसीव लगती नहीं है. काफी सारी केबल टायर्स हैं, एंड ये है गाइस इसका ऑटो क्यू का शॉकर बफर साइज डी. ऑलराइट गाइस, तो फ्रंट टायर्स के अंदर मैंने उसको इंस्टॉल किया हुआ है, एंड अभी आपको अगर मैं एक साइड में मतलब स्क्रीन पे दिखाऊं तो या इट इज फिल्ड विद डस्ट. काफी ज्यादा उसकी तो शक्ल ही बदल गई, इट वाज काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ट्रांसलूसेंट वाइट इन शेड, बट अभी तो वो क्या शेड है, अभी तो मिट्टी कलर बना हुआ है. बट इट इज स्टिल देयर एंड इट इज परफॉर्मिंग एज इट शुड. सो अब इसका फायदा क्या है? जब मैंने गाइस इसको नया नया लिया था ना, तो आई वाज आल्सो स्केप्टिकल कि यार इससे क्या ही होगा. बट उस दिन जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल करने के बाद मैंने गाड़ी चलाई थी, गाड़ी थोड़ी बहुत चलाई, तो उससे मुझे सबसे पहली बात ये फील हुई कि ब्रेकिंग के टाइम पे जो नैनो स्पेशली नैनो नोज ड्राइव करती थी, ऐसे घुस जाती थी आगे की तरफ, जो उसके शॉकर से हम काफी ज्यादा कंप्रेस हो जाते थे, तो वो वाली प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉर्ट हो गई. अब गाड़ी अपना कंपोजर मेंटेन करके रखती है, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट. अब जरा ऑटो क्यू का जो ये बफर है इसे ओपन कर लेते हैं, एंड बिना ओपन करे तो देखो हम लगा नहीं सकते हैं. मन नहीं करता है मुझे कई बार नई नई चीज़ें ओपन करने का, लेकिन यू नो ऑप्शन नहीं होता अपने पास कि क्या करें. तो अब जाके मैं इसको देखूंगा कि ये क्या आइटम है, राइट. ऑलराइट, यार ऐसे जो सारा प्लास्टिक है ये मैं हटा लेता हूँ, और ये हट गया. ऑलराइट, सो ये एक के ऊपर एक चढ़ाया हुआ है, कुछ ऐसा दिखता है, एंड ये को मैं अभी साइड में रख देता हूँ. तो ये साइज डी है, एंड ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, हार्ड भी है, सॉफ्ट भी है, सारा कुछ है. यहाँ पर ऑटो क्यू की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, एंड बस उसको एक साइड से चढ़ाना है जिससे कि तरह चढ़ता रहे उसके अंदर. सो आपको स्प्रिंग का ना मेन ये देखना है कि सेंटर में लगाना है, एंड कई लोग उसे ऊपर साइड पे भी लगाते हैं, कई लोग उसे नीचे साइड पे भी लगाते हैं, पर मैं सोचूँ सेंटर में लगाऊँ जैसे कि सेंटर का कंप्रेशन कम हो, बाकी ऊपर और नीचे से चले, एंड सेंटर वाला जो स्प्रिंग है वो कम लगे. एंड सेकेंडली, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं ना, स्पेशली ऑन हाईवेज, माउंटेन रोड्स के ऊपर अगर मैं बात करूँ, माउंटेन रोड्स में क्या होता है कि यू गाइस हैविंग अ लॉट ऑफ कर्व्स, तो आप स्टेयरिंग ऐसे भी कर रहे हो और ऐसे भी कर रहे हो, तो बस कर ही जा रहे हो वहां पे कॉन्स्टेंटली. अगर आप 70-80 की स्पीड मेंटेन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वो स्पीड को आप मेंटेन ही तब कर पाओगे जब आपका बॉडी रोल काफी ज्यादा कंट्रोल होगा. बॉडी रोल अगर ऐसा है कि गाड़ी ऐसी हो जाती है इस टाइप के टर्न पे या साइड पे ऐसी ही हो जाती है, एकदम टेढ़ी हो जाती है, तो आप स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो आपको 40-50 पे ही चलना पड़ेगा. बट थैंक्स टू दीज गाइस, अभी पीछे नहीं लगाया मैंने, पीछे जो है वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है नैनो में, एंड वो सेपरेटली वैसे ये स्टॉक है, वहां पे पीछे मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हुए थे. तो गाड़ी में वेट भी था. पीछे की अगर मैं बात बताऊं तो इंजन नैनो का पीछे है, तो डेफिनेटली जो लोड होता है वो ज्यादातर शॉकर्स के ऊपर ही है, पिछले शॉकर्स के ऊपर. देन थोड़ा लगेज था, देन बेबी लुथर की चाइल्ड सीट और कुछ टॉयज, कुछ और सामान, और एक पानी की बड़ी वाली 5 लीटर की बॉटल, एंड देव देव की कार सीट, वो सारी चीजें पीछे थी, जिनकी और मैं आगे थे. सो वी वर गोइंग and I was maintaining the speed of 70-80 sometimes 90 on those mountain roads, क्योंकि हम लोग शिमला गए थे. आपने नहीं वो वीडियो नहीं देखा तो आपको मैं यहाँ पे पूरी की सीरीज का लिंक शेयर कर दूंगा, तो देखना जरूर, मजा आ जाएगा. सो मतलब मुझे वहां पे ऐसे चला रहा हूँ, मतलब चला रहा हूँ, बॉडी रोल सुपरली कंट्रोल, इतना कभी नहीं होता था. नैनो मेरा जो मॉडल है, दिस इज अ 2012 मॉडल, मैं से 2024 तक रेगुलरली चला रहा हूँ, उतने किलोमीटर्स नहीं है क्योंकि ये गाड़ी सिटी में ज्यादा चलती है. लेकिन आप जब इतने सालों से कोई गाड़ी को चला रहे हो ना गाइस, तो आपको उसका एक एक यू नो एक एक सेंटीमीटर पता होता है कि हाँ वो कैसा बिहेव करेगी किस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर. सो गाड़ी में लोड भी था, भगा भी रहे थे, एंड उसके बाद भी गाड़ी ने अपना कंपोजर मेंटेन करा हुआ था. सो दैट इज द अमेजिंग थिंग अबाउट इट. एंड एक चीज और है कि नैनो में जो टायर सेटअप आता है ना स्टॉक, दैट इज द 135/70 R12 फॉर द फ्रंट टायर्स, एंड 155/65 R12 फॉर द रियर टायर्स.
सो मैंने अभी रिसेंटली क्या किया, आई हैव रिप्लेस्ड द फ्रंट टायर्स विद 155s, 155 65 R12 इन द फ्रंट एंड 155 65 R12 इन द रियर. अब चारों टायर जो है वो सेम है, सेम साइज के टायर हैं, जस्ट डिफरेंट ब्रांड्स. एंड अलॉन्ग विद द बिगर टायर्स ऑन द फ्रंट आई हैव आल्सो इंस्टॉल्ड द ऑटो क्यू शॉकर बफर. सो वो आपने वीडियो सारे के सारे पीछे हैं, आपने मोस्टली आप लोगों ने देखा ही होगा. इनकेस नहीं देखा तो मैं आपको एक अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली गो देयर एंड वॉच देम. सो सबसे पहले एडवांटेज जो कि मुझे रेगुलरली फील होता है, जो कि है नोज ड्राइव. मैं पूरी की पूरी ब्रेक दबा भी दूंगा तो गाड़ी नोज ड्राइव नहीं करती, क्योंकि वो शॉकर बफर्स जो है वो रोक लेते हैं स्प्रिंग का कंप्रेशन. दैट इज द अमेजिंग थिंग. और हाईवेज पे मैं भी गया तो हैंडलिंग भी मुझे बहुत बेटर मिली, क्योंकि नैनो का जो स्टेयरिंग है दैट इज द मैनुअल स्टेयरिंग. तो मुझे क्या फीडबैक स्टेयरिंग से मिल रहा था, क्या फील स्टेयरिंग से मिल रही थी, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता. ऑलराइट गाइस, दोनों साइड हो गया है अपना काम. सो जरा अब एक ट्रायल हो जाए गाड़ी का, एंड फिर नेक्स्ट वीक के अराउंड नए टायर्स लगेंगे आगे. लेट्स सी हाउ एवरीथिंग फील्स. ये गाइस बिल्कुल फर्स्ट रन है दोनों साइड लगने के बाद, फर्स्ट रन. अब यहाँ पे गड्ढा आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. डिफरेंट तो था, बट हाँ गाइस दिखा जरूर सकता हूँ. तो अगर आपने शिमला की स्टोरी या वीडियोस या कुछ भी नहीं देखा है ना, तो एक बार जाके जरूर देखना. चैनल के सारे लिंक्स जो है नीचे ही, प्लेलिस्ट पूरी देखना, मजा आ जाएगा जाने का भी, आने का भी, और शिमला में भी जो कि हम लोगों ने किया. सो डू आई रिकमेंड दीज ऑटो क्यू शॉकर बफर्स टू यू गाइस? एब्सोल्युटली यस गाइस, एब्सोल्युटली यस. इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है. मतलब अभी मेरा एक्चुअली मन चल रहा है कि मैं रियर के लिए भी इंस्टॉल कर दूं, बट हैंडलिंग में, नोज ड्राइव में, फ्रंट से ही सारा कुछ रिलेटेड है, और बॉडी रोल के अंदर तो सारा कुछ काम फ्रंट से हो रहा है. वैसे तो कहते हैं कि चारों टायर्स में अगर लगाओगे तो यू नो रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा बेटर आता है, बट वी नेवर नो अनटिल वी ट्राई इट राइट. क्या पता कुछ बहुत ही अच्छा मेजर इंप्रूवमेंट हो, और क्या पता कुछ खास इंप्रूवमेंट ही ना हो. सो क्या कहते हो गाइस, 2,500 रुपये इसके अंदर खर्चने चाहिए कि नहीं खर्चने चाहिए? उस बात का मैं आपके लिए इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में, तो बताना जरूर. ऑन दैट बॉम्बशेल गाइस, लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो. एंड जो जो मुझे फील हुआ throughout the course of these 2,000 to 3,000 odd kilometers, वो मैंने आपके साथ सारा का सारा शेयर कर दिया. हो सकता है किसी कार के अंदर आपको इतना डिफरेंस फील ना हो, बट इन द नैनो आई फेल्ट द डिफरेंस जेन्युइनली. एंड मुझे कोई भी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ऑटो क्यू ने तो शायद ये पिछले वाला वीडियो देखा भी नहीं होगा. इनकेस देखा होगा तो या यू कैन स्पॉन्सर द रियर शॉकर बफर्स फॉर द यू नो एक्सपेरिमेंट. तब जाके ज्यादा यू नो कहानी पता चलेगी, बट बाकी आई एम एक्चुअली टोटली सैटिस्फाइड विद इट. आपको लेना है तो मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा आपके साथ, एंड नैनो में कौन सा साइज लगता है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा. आई थिंक डी साइज था, क्योंकि आगे शॉकर छोटे हैं, पीछे लगने वाला सी, एंड लीनिया में आगे पीछे लगेगा बी, एंड किसी और बड़ी एसयूवी में डेफिनेटली ए साइज आता होगा. दैट्स गोना बी ह्यूज मैन. तो चलो गाइस मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन. एंड गाइस आपकी कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी यस मिलेंगे इन सम अदर वीडियो. चाओ, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.